हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 3 ऑफ ग्रामर। अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है, अब हम एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड लेट्स सी द एडजेक्टिव्स नाउ। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं गाइस? एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ये बेसिकली हमें नाउन या प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस बताते हैं, या उसकी कुछ ज़्यादा आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। मीन्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉजेस भी बोलते हैं। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेस दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एंड गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मीन्स क्वालिटी बताते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, राम इज़ ब्रेव। राम जो है वो बहादुर है। ठीक है, अब यहाँ पे राम नाउन है और ब्रेव उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ब्रेव एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो नेक्स्ट, शी वॉज क्लेवर। वो चालाक थी। अब वो प्रोनाउन है। ठीक है, वो लड़की चालाक थी, तो चालाक उसकी क्वालिटी है। एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्लेवर उसकी क्वालिटी हो गई, नेगेटिव क्वालिटी और पॉजिटिव क्वालिटी। सो ये एडजेक्टिव हो गया, क्लेवर वर्ड इटसेल्फ एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मेरे पास कई पेंसिलें हैं या मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। मैनी और फ्यू हमें इस कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, मेरे पास पेंसिलें हैं, मेरे पास कई पेंसिलें हैं, मतलब वो कई जो है वो उसकी नंबर बता रहा है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। तो जब आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले तो वो भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मैनी एंड फ्यू। नेक्स्ट, अमन इज़ माई ब्रदर हु प्लेज विद यू। गाइज, अब ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव क्लॉज की। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब इकट्ठे होके वो बनाते हैं एडजेक्टिव। तो वो जो अमन है, वो मतलब मेरा भाई जो अमन है, ये उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो तुम्हारे साथ खेल रहा है वो मेरा भाई अमन है। ठीक है, मतलब मेरा भाई अमन तुम्हारे साथ खेल रहा है, राइट? तो वो अमन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो अब नेक्स्ट है डिग्रीज। गाइज, हमने स्कूल में पढ़ी होगी, पीछे ER और EST लगा दो। ठीक है, डिग्रीज। सो नॉर्मली तीन फॉर्म होती हैं। पहला है पॉजिटिव, नॉर्मल वर्ड्स। सेकंड, कंपैरेटिव, जब आप कंपैरिजन करते हो। और थर्ड है सुपरलेटिव, मतलब जब आप किसी के बारे में एक्सट्रीम अच्छा या एक्सट्रीम बुरा बोल रहे हो। ओके, सो इसमें सेकंड वर्ड के पीछे ER लग जाता है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा होता है। ओके, और लास्ट के पीछे EST। ओके, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ओके, सो ये सेकंड वर्ड में ER है दोनों के पीछे, और लास्ट में EST और EST है। तो सारी डिग्रीज ऐसी ही होती हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ वर्ड्स दे रही हूँ मैं। ओके, डू इट। सेकंड के पीछे ER लगेगा और थर्ड के पीछे EST लगेगा। देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कंपैरिजन और सुपरलेटिव कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट यू डू द एक्सरसाइज। सो दीज आर द वर्ड्स, आप इसकी इनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाओ। ओके गाइज, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड देन डू इट। और आपने अगर आंसर चेक करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। गाइज, अब ये सेकेंड फॉर्म में ER क्यों लगता है और लास्ट वाली फॉर्म में EST क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है कंपैरिजन के लिए। जैसे ही इज़ शॉर्टर देन मी, वो मुझसे छोटा है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो ER। EST लगता है एक्सट्रीम वर्ड के लिए, मतलब या बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा। ठीक है, बीच में नहीं हो सकता, कुछ मिडल में नहीं हो सकता। ओके, सो इसलिए इसके साथ द लगता ही लगता है। लेट्स सी हाउ। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में देन वर्ड का प्रयोग होगा ही होगा क्योंकि कंपैरिजन है। सुपरलेटिव में द लगेगा ही लगेगा क्योंकि अच्छा या बुरा बता रहा है एक्सट्रीम का। और यंगर टू वर्ड के हिसाब से है, ही इज़ यंगर टू मी, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, वो लाइन के हिसाब से है। मोर और मोस्ट, मोर का मतलब होता है कंपैरिजन के लिए, सुपरलेटिव में मोस्ट।
ठीक है, मतलब मोर अट्रैक्टिव कंपैरिजन हो गया, मोस्ट अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो सुपरलेटिव हो गया। नाउ दीज आर सर्टन वर्ड सर्टन सेंटेंसेस जो कि आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं एज़ यूजुअल। आपको इसको अंडरलाइन करना है, इसमें से कौन से जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, और आप आंसर्स मुझे ऊपर मेरी आ रही है ईमेल आईडी या व्हाट्सएप उस पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी और ईमेल आईडी पे ईमेल भी। आई विल चेक इफ़ यू वांट। सो टिल देन बाय बाय। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज़ मैंने पूरा ग्रामर का शेड्यूल डालना है विच विल रियली हेल्प यू गाइज। और अगर आपको लग रहा है कि मैं यू कैन गेट समथिंग फ्रॉम मी देन प्लीज़ डू इट। और आज की तो वीडियो भी बहुत छोटी है, एडजेक्टिव्स आर लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ इंग्लिश, सो लेट्स डू इट। यू डू द एक्सरसाइज एंड आई विल टेक यू लीव। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भी सेंटेंसेस हैं, लाइक देर आर अनदर 7 सेंटेंसेस, वो भी देख लेना। ओके चलो बाय बाय, यू डू योर एक्सरसाइज, बेस्ट ऑफ लक।